पाकिस्तानियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जी मुसल्ला फौज को मशरकी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में जब तक मूडी प्राइम मिनिस्टर है वी शुड नॉट स्टैंड डाउन, हम हर वक्त अलर्ट पे ही होना चाहिए। पाकिस्तान को भारतीय जारियत का खतरा है। मुसद्दिका ज़राए और बिलखसूस फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद इस हवाले से हमें आगाह कर चुके हैं और इसी तनाजुर में अस्करे हुकाम भी पाक फौज को सरहदों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर चुके हैं। इससे पहले तो ये थ्रेट बहुत रियल है, इसमें कोई शक किसी भी पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए। हमारे एहतजाज पसंद सियासतदान तो गालिबन अहमियत ना दें, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जी मुसल्ला फौज को मशरकी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। खदशा है कि जी मुश्किलात के शिकार भारत जो है पाकिस्तानी सरहद पर कोई मुहिम जोई ना कर दे, और ये खदशा जो है बेबुनियाद भी नहीं क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है। देखिए सीधी सादी बात यह है कि अगर हम आज अलर्ट पे हैं तो ये एक टेक्निकल बात है। मेरे ख्याल में जब तक मूडी प्राइम मिनिस्टर है वी शुड नॉट स्टैंड डाउन, हम हर वक्त अलर्ट पे ही होना चाहिए, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि वो हमें अटैक इसलिए नहीं करेगा कि इधर वो कुछ खामियां देख रहा है, कमजोरियां देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो इसलिए भी नहीं करेगा कि ही इज इन ट्रबल आजकल जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वो हमें अटैक करेगा कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, और ये इसका, और वो कह चुका है कि ये इसका फॉरमोस्ट कंसर्न है कि मैंने खुद जाके 2017 में जब भी वो बांग्लादेश गया था वो अवार्ड लेने के लिए, तकरीर में कहा एग्जैक्टली कि उसका क्या रोल था इन दी ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, और कितना वो खुश था और कैसे उसने डिस्क्राइब किया कि मैंने हमारे आरएसएस बंदों को ट्रेन किया, और अगर वो जिंदा रहते और वो ये भी कहा कि अगर मैं एक चीज से अपनी जिंदगी में मैं कह सकता हूं कि आई एम प्राउड ऑफ, वो ये है कि मैंने 2 लाख किया पाकिस्तान को और अब मेरा आधा काम पूरा हो गया है। हवाले से हमें आगाह कर चुके हैं और इसी तनाजुर में अस्करे हुकाम भी पाक फौज को सरहदों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर चुकी है, क्योंकि इस बात का खतरा किया जा रहा है कि भारत एक बार फिर से कोई ना कोई नया ड्रामा रचा सकता है। अमेरिका पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त पाकिस्तान में हाई है और ऐसे में हमें ये थ्रेट अलर्ट भी मिल गए हैं। अगर अस्करे हुकाम की जानिब से पाक फौज को हाई अलर्ट किया गया, मतलब ये कि कुछ मुसद्दिका इत्तलात हैं जिसकी बिना पर इस तरह से ये जो है फैसला कर दिया गया और इंस्ट्रक्शंस आगे दे दी गई। हमने 2016 में भी देखा सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हमने 2019 का वाकया भी देखा। हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए इस सिलसिले में? देखिए जरियाब, सबसे पहले तो ये थ्रेट बहुत रियल है, इसमें कोई शक किसी भी पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि भारत बड़े अरसे से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, इंटेलिजेंस सतह के ऊपर अपने जो बेसिकली एक इमेज बिल्डिंग होती है उसकी सतह के ऊपर पाकिस्तान को हर जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और मिलिट्री सतह के ऊपर भी हम लोगों ने जिस तरीके से फरवरी 2019 के अंदर मामला देखे थे, वी ऑल नो दैट। भारत का हमेशा से एक बड़ा एक एजेंडा रहा है और वो ये रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान को उसका मुर्दे इल्जाम ठहराएं, मुर्दे इल्जाम ठहराने के बाद पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दें या किसी तरीके से अटैक करें, जिसके बाद उसी के रद्दे अमल में कि अब हम जवाब देने वाले हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। हम लोग भारत की इस किस्म की जो तजर्बे हैं उनसे बेहतरीन तरीके से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। इस बार डर इतना है कि उसने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के मीडिया जियो न्यूज़ ने किया है। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत एक बार फिर आंतरिक और बाहरी दबावों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपना डर दिखाते हुए लिखा है कि लद्दाख और डोकलाम में मिली हार को छिपाने के लिए भारत नियंत्रण रेखा LOC और भारत पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की संभावना के कारण पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ऐसा अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कर सकता है। इसमें पाकिस्तान प्रायोजित कई आतंकी और उसकी सेना के जवान मारे गए थे, जबकि पुलवामा में CRPF के काफिले पर
किए गए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान की हरकतों से भारत सतर्क। पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करार कर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की फिराक में है। हाल में ही कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स पर भारी संख्या में आतंकी मौजूद है। ये आतंकी पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने की आड़ में भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। हालांकि भारतीय सेना की चौकसी से कारण ये अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय सेना अपने सीमावर्ती इलाकों में इतनी मुस्तैदी से तैनात रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान जैसे देशों को घुसपैठ के दौरान हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद तो पाकिस्तानी सेना और भी डरी सहमी रहती है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना हमेशा भारतीय सेना के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाती रहती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से सटी LOC पर तैनात अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र ने ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की आशंका है कि भारत कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। फॉल्स फ्लैग कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें किसी काल्पनिक या फिर झूठी वजह से किसी ऑपरेशन को किया जाता है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची कुची पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़ कर रख दी है। इस बीच उसके सबसे बड़ा दाता सऊदी अरब और UAE अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। इस कारण थक हार कर इमरान खान ने अपने कर्जदाता देशों से कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कर्ज की किश्त चुकाने से छूट का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर किए गए बर्ताव से नाराज सऊदी अरब ने मई में ही अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया था। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें 3 बिलियन डॉलर की नगद सहायता शामिल थी जबकि बाकी के पैसों की एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई है। पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान नहीं किया है। 51 देशों ने मतदान नहीं किया। जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान नहीं किया उनमें से अधिकांश अफ्रीकी देश और छोटे द्वीप देश थे। पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया है और इसे 90 मतों के साथ पारित किया गया। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।